व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हमारे पास आ चुका है 30,000 के अंदर वाला फोन, जो कि आप लोग ये देख सकते हो, मोटो 1S 5G। ये जो है ना यार, मतलब फुल धमाके वाला फोन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको स्पेक्स जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप खुद हैरान परेशान हो जाओगे कि यार इतने जो है मतलब कम प्राइस में मेरे को ऐसी स्पेक्स देखने को मिल गई, तो ये मतलब वाकई माइंड ब्लोइंग है। तो यार आप लोग वीडियो में बने रहना, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बोलोगे मैंने ये वाला मोबाइल क्यों पकड़ा है। असल में माइक वगैरह का जो मसला था, इस वजह से जो है ना मैं मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वही। तो चलो टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर मोबाइल की स्पेक्स की बात की जाए ना, तो ये जो है इसमें आपको 6.7 इंचेस का जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि यार एक काफ़ी एक लार्ज डिस्प्ले में आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये इसमें जो है ना 4:64 भी आता है और एक 6:128 भी आता है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ना 4:64 और 6:128 में ना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 हज़ार का फ़र्क है। तो इससे अच्छा आप यही है कि 6 GB रैम ले लो, तो आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा जो है ना हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें जो है ना आपको 750 जो है ना स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाता है। तो ये प्रोसेसर है ना, मतलब इतने लोएस्ट बजट में मतलब एक हेवी प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाए। अगर बात की जाए इसके बैटरी की, तो इसमें जो है ना आपको 5000 mAh देखने को मिल जाती है, जो कि यार एक मतलब ऐसी बैटरी ना कि आप अगर इसको 2 दिन भी यूज़ करते हो ना, तो आपका आराम से जो है ना फ़ोन लोकल यूज़ पे निकल जाएगा। और ये मैं अपना खुद पर्सनल रिव्यू दे दूँ ना, तो ये जो है ना मेरे को 2 दिन से पहले मतलब इसको मेरे को चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यार डिज़ाइन की अगर बात की जाए, तो डिज़ाइन के हिसाब से कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर ये है कि अगर आप लोग को डिज़ाइन वगैरह से लेना देना नहीं है, अंदर जो है माल से लेना देना है, तो इस हिसाब से आप लोग ये वाला फ़ोन ले सकते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यार इसका कैमरा अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें जो है ना आपको 48 MP का जो है ना मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। सेकेंड सेल्फी कैमरा आपको 16 MP का देखने को मिल जाता है। शायद ये वाला फ़ोन जो है ना मेरे को प्राइस के हिसाब से काफ़ी दिल पर लगा। बस ये है कि थोड़ा जो है ना इसका स्टाइल इतना, अगर ये लोग थोड़ा सा अच्छा बना लेते, तो ये अगर स्टाइल अच्छा बना दे तो पैसे भी अच्छे कर लेते। छोड़ो छोड़ो स्टाइल को छोड़ो। इसका हाईलाइटिंग पॉइंट ये है ना, ये जो 2021 में लॉन्च हुआ है, मतलब कि ये कुछ बहुत पुराना फ़ोन नहीं है, ये 2 साल ही पुराना फ़ोन है, तो एक मतलब ब्रांड न्यू फ़ोन आप लोग इसको कह सकते हो। ठीक है यार, एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है ना फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। यार अब आप लोगों को 30,000 में और क्या चाहिए, फिंगरप्रिंट भी, प्रोसेसर भी अच्छा, गेमिंग के लिहाज से भी बेस्ट है, बैटरी के लिहाज से भी बेस्ट है, और 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। आपको मैं बताता चलूँ कि इसका जो है ना बैक पर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, ये जो मोटरोला लिखा हुआ है। सर अगर मैं आपको ऑल ओवर रिव्यू दूँ ना, तो ये मतलब चलाने में काफ़ी बेस्ट है, बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है। ठीक है, हालांकि आप कह रहे होगे कि यार इसमें कुछ ऐप्स वगैरह आते हैं तो फिर लैग नहीं, यार ये सब बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करो, आपका मोबाइल लैग नहीं करेगा, क्योंकि मेन जो बात होती है ना वो प्रोसेसर की होती है और रैम की होती है। अगर आपके मोबाइल में प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, तो आपका मोबाइल लैग नहीं करेगा। इसमें जो 6 GB रैम है, प्रोसेसर इसका 750 स्नैपड्रैगन है, तो यानी एक बहुत ही काफ़ी VIP फ़ोन को बना देता है। बाकी यार आप लोग को ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यही मैंने सोचा कि यार अभी छोटे स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए भी वीडियो बनाई जाए, ताकि वो भी सोचे कि यार ये क्या है यार, सब बड़े मोबाइल हो गया यार, हम कहाँ जाएंगे। बाकी यार आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मोबाइल ट्रेड मैंने आपको शो कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से आपको ये वाला मोबाइल भी मिल जाएगा, और भी जो भी चाहिए मोबाइल वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे रेट में मिल जाएंगे। तो चलो यार बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।